नमस्कार दोस्तों, सरकारी ट्रिक्स में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने पीसी या लैपटॉप मोबाइल की मदद से आप लोग कैसे घर बैठे किसी भी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे गाइज। और आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि किनका नाम नहीं है लिस्ट में और किनका नाम है। तो देखिए, आप लोग के सामने में दो ऑप्शन दिख रहा है गाइज, रजिस्टर्ड का और साइन इन का। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा कि जिनका CSC ID नहीं है तो वो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड ID बना सकते हैं गाइज। तो आप लोग को याद रहे कि आप लोग का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे CSC कनेक्ट के थ्रू आप लोग को बताएंगे कि कैसे CSC के थ्रू बनाते हैं। तो दोनों का प्रक्रिया सेम है गाइस, सिर्फ आप लोग का अगर CSC ID नहीं है तो आप लोग रजिस्टर करेंगे न्यू मोबाइल की मदद से। तो देखिए, इस प्रकार से जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो आप लोग के सामने में इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है। तो अब आप लोग को ये देखना है गाइस कि किनका लिस्ट में नाम नहीं है और किनका लिस्ट में नाम है, अगर नाम है तो किनका बना है और किनका नहीं बना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सर्च बाई विलेज या टाउन पे क्लिक करके बताऊंगा। अगर आप लोग चाहे तो राशन कार्ड फिल करके किसी भी कस्टमर का कितने मेंबर का बना है नहीं बना है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विलेज टाउन पे क्लिक कर लिया हूँ गाइस। क्लिक करने के बाद देखिए, आप लोग जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जैसे अर्बन या रूरल, तो मैं रूरल एरिया से आता हूँ तो सेलेक्ट कर लिया हूँ गाइस। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलता है गाइस स्टेट। तो सबसे पहले आप लोग को स्टेट सेलेक्ट कर लेना है गाइस, और किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो भी आप लोग को फिल करना है। उसके बाद ब्लॉक भी फिल कर लेना है गाइस, और आप लोग का विलेज जो भी गांव है वो फिल कर लेना है। तो देखिए, अब आप लोग का गांव का जितना भी मेंबर्स रहेंगे गाइस, इसमें आप लोग को यहाँ पे शो होंगे किनका आप नाम किनका नहीं बना है और किनका बना है। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे इस लिस्ट ओपन हो गया है, और इसमें आप लोग को दिख रहा है कंप्लीट कार्ड नॉट मेड, मतलब इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किनका कार्ड नहीं बना है और किनका कार्ड बना है। तो आप लोग जिनका कार्ड नहीं बना है उनको फ़ोन भी करके आप लोग बुला सकते हैं अपने सेंटर पे। तो देखिए, अब आप लोग को कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर लिया हूँ गाइस। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप लोग के सामने में उस कस्टमर का डिटेल्स आ गया है। तो चाहे तो आप राशन नंबर फिल करके उसका डिटेल्स मैच कर सकते हैं, या फिर आधार नंबर। तो मैं यहाँ पे आप लोग को आधार नंबर फिल करके बताता हूँ कि कैसे आप लोग को बनानी है। तो देखिए, आप गेट डिटेल्स पर क्लिक कर लिए हैं गाइस। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का जितना भी मेंबर है, इस प्रकार से उसका आधार नंबर जैसे ही फिल किए तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे तीन ऑप्शन उन लोग का, तीन मेंबर का दिख रहा है। तो तीनों मेंबर का यहाँ पे नहीं बना है आयुष्मान कार्ड। तो मैं यहाँ पे एक व्यक्ति का बना करके आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ गाइस, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप लोग के सामने में यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है जैसे कि आप लोग OTP की मदद से बना सकते हैं, फिंगरप्रिंट की मदद से बना सकते हैं, आयरिस की मदद से बना सकते हैं, या फेस दिखा करके बना सकते हैं। तो मैं आज आप लोग को यहाँ पे फिंगर की मदद से बना करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले आप लोग को यहाँ पे कस्टमर का जो भी नाम है, गार्जियंस नेम है, जेंडर क्या है, वो आप लोग को फिल कर लेना है फटाफट। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे कस्टमर का पूरा डिटेल्स फिल कर लिए हैं गाइस। चाहे तो आप लोग यहाँ पे सेम एज SECC पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस प्रकार से कर लिया हूँ, फिंगर पे क्लिक कर लिया हूँ गाइस। और यहाँ पे आप लोग का स्कैन जो कि फेच हो रहा है, यहाँ पे स्कैन या फिंगर पे क्लिक करना है। तो देखिए, अब कस्टमर को यहाँ पे फिंगर लगा लेना है गाइस। जैसे ही लगाएंगे सक्सेस हो जाएगा। अब आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है गाइस, प्लीज़ चेक डिक्लेरेशन। तो आप लोग को सॉरी, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करना है गाइस, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए, इस प्रकार आप लोग के सामने में यहाँ पे कस्टमर EKYC डिटेल्स पूरा आ जाएंगे गाइस। तो देखिए गाइस, जैसे ही कस्टमर यहाँ पे अपना स्कैन करेंगे तो कस्टमर का यहाँ पे फोटो, उसके बाद पूरा डिटेल्स EKYC आ जाएंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग को पूरा देख लेना है गाइस अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट की मदद से किया है तो यहाँ पे टिक आ रहा है, बाकी यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से क्लिक कर लूँगा गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को कैप्चा फिल कर लेना है गाइस। कैप्चा जैसे ही फिल करेंगे अब आप लोग को आगे का प्रोसेस बताते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर लिया हूँ गाइस, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चाहे आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आप लोग का करेक्शन कुछ करना हो तो प्रीव्यू देख करके आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सब सही फिल किया हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए, इस प्रकार से मेरा यहाँ पे मैचिंग और अपडेटिंग का ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग का यहाँ पे जो कि अपडेट हो रहा है। तो देखिए गाइस, जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, अपडेटिंग होने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक मैसेज शो होगा, बेनिफिशियरी हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड योर आयुष्मान कार्ड। और आप लोग का यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे गाइस, इसे आप लोग ट्रैक भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड किसी भी व्यक्ति का बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।